तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड यूजर्स के लिए आया हुआ है बहुत अच्छा अपडेट कि दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दिया अपना न्यू ऐप। एंड इस ऐप में दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। क्या फीचर्स हैं वो तो मैं अभी बताने वाला हूँ, बट ये एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड जस्ट 45 मिनट्स पहले ही मुझको ये मेल आया हुआ है ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड की मेल आईडी से कि रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दिया है ये मेल। एंड ये मेरे को बहुत से तो बहुत पहले मालूम था कि रॉयल एनफील्ड अपना एक ऐप जो है वो डेवलप करा रहा है, बट कब लॉन्च करने वाला मुझे नहीं आइडिया था, तो इसके वजह से मैं उसका अपडेट नहीं दिया था। बट फाइनली ये जो ऐप है वो आ चुका है, जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, अपना सपोर्ट और अपना प्यार जो है ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं ऐसी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के टाइम टाइम बना सकूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो शेयर कर सकूं। दोस्तों जैसे ही मुझे इसका मेल आया तो मैंने अपने प्ले स्टोर में जाके मैंने रॉयल एनफील्ड सर्च किया, बट मुझे डायरेक्टली नहीं मिला। फिर मैंने जो मेल में जो लिंक दिया हुआ था ना वहाँ से डाउनलोड किया, तो इसका जो रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है वो डायरेक्टली आया। तो दोस्तों इसका मतलब जो अभी रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली एकदम लॉन्च किया हुआ है, तो इसका जो अभी जो बोलते हैं ना प्ले स्टोर का एल्गोरिथम में प्रॉपरली नहीं आया हुआ, तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको इसको मेल के थ्रू ही डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद क्या पता वो आपको ऐप में डायरेक्टली जो है प्ले स्टोर मिलना शुरू कर दे, या फिर आपको जो आईफोन है उसमें डायरेक्टली मिलना शुरू हो जाए। तो जिसमें लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप डायरेक्टली जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन चलते हैं आगे वाले प्रोसेस में क्या करना पड़ता है आपको। दोस्तों ऐप जब ओपन करते हैं तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा आता है, उसमें आप लॉग इन या साइनअप कर सकते हैं। मैं साइनअप कर रहा हूँ। साइनअप का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आपको नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड आपका पासवर्ड जनरेट करके आपको जस्ट साइनअप कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं थोड़ी बहुत और डिटेल आपको देनी पड़ेगी, आपको सिटी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मेल फीमेल हैं, आपका जेंडर बताना पड़ेगा और आप रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं या नहीं, ये आपको बेसिक डिटेल आपको देनी होगी। देन जैसे ही आप सारी डिटेल कर देंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, देन आपको अगेन फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आपको जस्ट अपने जो डिटेल फिल की थी, पासवर्ड सेट किया था, वही आपको डालना है एंड आप इजीली लॉगिन भी कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों सारी डिटेल फिल करने के बाद में अपडेट आ जाएगा एंड उसके बाद में जो फाइनल स्टेप आता है आपकी जो व्हीकल है, जिसमें क्लासिक 350 है जो गनमेटल ग्रे है एंड सेकंड जो है इंटरसेप्टर है, मेरे 650 दोनों जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इसका जो डिटेल है, इसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मेरे को डालना पड़ेगा इसके अंदर एंड कन्फर्म करना पड़ेगा। जैसे मैं कन्फर्म करता हूँ सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस करने के बाद में आपका जो ऐप है वो रेडी टू यूज़ है। फर्स्ट जो है और वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसमें आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पर डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं, एक वन क्लिक एक्सेस दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी अपनी बाइक है या फिर कोई इवेंट है, यहाँ से ही आपको पूरा फ्रंट पेज जो है डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस दिया हुआ है। देन उसके बाद सेकेंड जो है आप देखेंगे कि राइड का ऑप्शन दिया हुआ है साइड में, कोई अपकमिंग राइड है या फिर आप कोई राइड क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। देन मोटरसाइकिल, जिसमें आपकी बाइक जो आपने रजिस्टर किया, जैसे मेरा गनमेटल ग्रे है और इंटरसेप्टर है, तो दोनों का जो नीचे सर्विस दिया हुआ है, रोड साइड असिस्टेंट दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं दोस्तों ये फीचर का हेल्प लेके अपना सर्विस, रोड साइड असिस्टेंट या सपोर्ट जो है वो रॉयल एनफील्ड से ले सकता हूँ इस ऐप के थ्रू। एंड क्विक एक्सेस में इसमें मैप भी फीचर्ड किया हुआ है। दोस्तों मैप वन क्लिक में आपका मैप भी ओपन हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आपका दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन जो लास्ट है दोस्तों, स्टोर में दोस्तों आपको सारे जो बाइक्स हैं ना जो रॉयल एनफील्ड की, वो आपको देखने को मिल जाएगी एंड वहाँ से आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे मोर डिटेल में अगर आप जाते हैं तो मोर डिटेल में उसका डिटेल भी बता देगा, स्पेसिफिकेशन बता देगा। एंड दोस्तों सी वेरियंट में आपको इसके वेरियंट्स मिल जाएंगे, अगर बुलेट 350 के वेरियंट देखना है तो वेरियंट भी आपको दिख जाएंगे। नीचे आपको प्राइसिंग भी दिखा रहा है ऑन रोड आपके सिटी के हिसाब से। एंड बुक भी आप कर सकते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करके आप बुक भी करा सकते हैं, आपका जो नियर बाय शोरूम होगा उसका डिटेल आ जाएगा, वहाँ से आप बुक इजीली इस मॉडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप के जो फीचर्स हैं ना, अभी तो बेसिक हैं बहुत ज़्यादा, बट हाँ कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि प्राइसिंग डिटेल मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएंगे, मतलब आप बुक कर सकते हैं, सर्विस ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, और रोड साइड असिस्टेंट करवा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने सारी डिटेल दे दी होगी इस ऐप को लेके, रॉयल एनफील्ड के ऐप को लेके। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं इस ऐप के फीचर्स कितने हेल्पफुल हैं, आपको कैसा लगा, वो सारी डिटेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, कोई डाउट एंड क्वेरी है तो दोस्तों जरूर मुझे बताएगा। एंड वीडियो को यहाँ तक देख लिया ना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्रॉडब्रेड, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।